तो ये बताओ कि शादी वाला रमज़ान और शादी से पहले वाले रमज़ान में क्या फ़र्क है? शादी से पहले वाले रमज़ान में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना आपकी। अगर मैं अगर लाहौर होती थी अम्मी के घर, मतलब ऑब्वियसली साथ घर वालों के साथ, तो वो तब तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता था, घर वाले बना रहे हैं, अम्मा बना रही हैं इफ्तार। अगर मैं काम पर भी होती थी कराची तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका शूट पे ही रोज़ा खुल जाता था। अकेले होते थे आप तो आप कहते अपने लिए क्या ही इफ्तार बनानी और आप मंगा के खा लेते, लेकिन अब शादी के बाद आपको इफ्तार बनाना ही बनाना है। एक एक्सपेक्टेशन होती है नेचुरली और ना भी वो एक्सपेक्टेशन तो दिल चाहता है। वो मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि ना जो आप लोग अभी ट्रेडिशन सेट करोगे ना एज अ कपल वो ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ। अगर आप कैजुअल और इजी लोगे कि भाई सब अपनी अपनी इफ्तारी करें, हर इफ्तारी अपनी अपनी वाला सिलसिला होता वैसे। जैसे माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव, इज लाइक डोंट यू वरी, मैं ऑर्डर करके मंगा लूंगा, तो आई डोंट लाइक